सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल हैकर ट्यूबर्स और दबाइए इस बेल आइकन को फॉर द लेटेस्ट टेक्निकल टिप्स इन हिंदी। दोस्तों क्या आपने देखी है बाहुबली और जंगल बुक जैसी मूवीज, तो उसमें क्या आपको पता है कि क्रोमा की फीचर का यूज हुआ है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा क्रोमा की क्या होता है और उसके लिए एडिट करने के लिए कौन से बेस्ट सॉफ्टवेयर बने हैं। तो क्रोमा की एक ऐसा फीचर है जिसके मदद से आप दो फ्रेम इमेज या वीडियो को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं दूसरे फ्रेम से। इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जंगल बुक, वो एक कमरे में शूट हुई है, वो मूवी पूरी एक कमरे में शूट हुई है। क्या होता है कि पूरे कमरे में ग्रीन पर्दा लगा दिया जाता है, फिर उसके आगे एक्टर या एक्ट्रेस को मतलब एक्टिंग करने के लिए किया जाता है। डायरेक्टर बोलता है कि एक्टिंग करो, और फिर जब वो पूरा मतलब रिकॉर्ड होके आता है वो पूरा फिल्म, उसका एडिटिंग में क्रोमा की फीचर यूज होता है और वो ग्रीन बैकग्राउंड सेलेक्ट किया जाता है एडिटिंग में और उसको हटा दिया जाता है और कोई दूसरा इमेज या वीडियो उसमें ला दिया जाता है। तो इसको एडिट करने के लिए हम लोग भी इसे एडिट कर सकते हैं। उसके एंड्रॉयड में इसको एडिट करने के लिए काइन मास्टर और ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो बेस्ट एप्लीकेशन है, और पीसी में वंडरशेफ फिल्मोरा, जो मेरा ओपिनियन है, किसी और का कोई और सॉफ्टवेयर हो सकता है, तो वंडरशेफ फिल्मोरा अच्छा सॉफ्टवेयर है इसको एडिट करने के लिए। और अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो वंडरशेफ फिल्मोरा आपको यूट्यूब की इस जर्नी में बहुत हेल्प करने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।